गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, यहाँ एक लाइन बहुत फेमस है, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि योगी यहाँ से अजय रहे हैं, बल्कि गोरखपुर का रिकॉर्ड रहा है कि जिस पर भी योगी का हाथ रहता है वो विजयी होता रहा है। और इस बार तो खुद योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे हैं। गोरखपुर सदर की सीट 1989 से अब तक हुए हर चुनाव में गोरखनाथ मठ के पास ही रही है। 1989 से 2017 तक हुए 8 विधानसभा चुनावों में से 7 बार ये सीट बीजेपी के पास और एक बार हिंदू महासभा के पास रही। 1989 से 1996 तक लगातार 4 बार बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ल यहां से जीते। उसके बाद 2002 से लेकर 2017 तक लगातार जीतने वाले डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल यहां से विधायक रहे, जिससे साफ है कि 1989 से गोरखनाथ मठ का इस सीट पर राजनीतिक प्रभाव बना हुआ है। और अब गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर सदर सीट पर करीब 4.5 लाख वोटर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या कायस्थ वोटरों की है। कायस्थ 95,000, ब्राह्मण 55,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 45,000, निषाद 25,000, यादव 25,000 और दलित समुदाय के 20,000 वोटर हैं। इसके अलावा पंजाबी, सिंधी, बंगाली और सैनी कुल मिलाकर करीब 30,000 वोटर हैं। इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 50,000 है। कहा जाता है कि गोरखपुर सदर सीट पर वोटर चुनाव में जाति को देखकर नहीं, बल्कि गोरखनाथ मंदिर और योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट देते हैं। अब की बार जब खुद योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनाव मैदान में है तो बीजेपी समर्थकों का उत्साह भी सातवें आसमान पर है। हमारी मौजूदगी है ठीक एम्स के सामने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसकी स्थापना बीजेपी सरकार में हुई थी, और उसके बाहर पार्टी और तमाम समर्थक यहां पर जुटे हैं, जो कि ढोल नगाड़ों और कहीं ना कहीं पूरे जोश के साथ में आज अमित शाह के स्वागत और सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए यहां पर खड़े हुए हैं। कितना इम्पोर्टेंट है, कितने बहुत इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री योगी जी दोबारा बनने जा रहे हैं। हाँ, 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गोरखपुर में ही उनका चलता है या बाकी सब जगह वो है? योगी जी के चलता है पूर्वांचल में हमारे, योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना फर्क आएगा गोरखपुर से चुनाव में लड़ रहे हैं, कितना फर्क आएगा? महाराज जी से किसी की लड़ाई नहीं है, बीजेपी से किसी की लड़ाई ही नहीं है, सब झूठ में, सब पगडंडी बतिया रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। 5 साल में पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, फिर दोबारा आ रहे महाराज जी, ऐसा कोई तकड़ में नहीं है। इस बार महाराज जी चुनाव नहीं लड़े, एक एक कार्यकर्ता लड़ा है। क्या बदलाव आया है 5-7 सालों में, आपको क्या लगता है? क्या गोरखपुर 2017 के बाद गोरखपुर समझिए कि बहुत बदलाव हुआ है, जो 50 वर्ष एडवांस हो गया। कुछ नहीं था गोरखपुर में, क्या नहीं? गोरखपुर में कुछ नहीं था, खाद कारखाना नहीं था, एम्स नहीं था, चीनी मिलें सब बंद हो गई थी। पूज्य महाराज जी जब से सरकार बनाए तब से ये सारी चीज, उत्तर प्रदेश में सड़क की जो स्थिति थी, आपके गोरखपुर में अगल बगल जितने भी सड़क देख लीजिए, हजारों किलोमीटर की सड़कों पर। समाजवादी पार्टी की कोई चुनौती है? पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं, कोई भी पक्ष नहीं है, सारे लोग धराशायी हो गए हैं, केवल फालतू में इधर उधर का इल्जाम लगा रहे, कोई इल्जाम नहीं रह गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत दूर दूर तक है महाराज जी का, महाराज जी के टक्कर का कोई है ही नहीं। पूरे फूल बहुमत से जीतेंगे, 400 तो प्लस कर जाएंगे, 400 से ज्यादा वोट लाएंगे, जीतेंगे। गोरखपुर का माहौल कितना बदला? देखिए, गोरखपुर में जो अराजकता थी माननीय योगी जी की सरकार के पहले, वो सारे दंगाइयों को योगी जी ने जेल के अंदर ठूस करके जो शांति की व्यवस्था कायम की हुई है, जिस तरह से विकास के पथ पर गोरखपुर नहीं पूरा उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी कहती है कि अभी भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे विफल बताती है, रोजगार पे सवाल खड़े करते हैं वो लोग। देखिए, एक कहावत है, रौंद डाला कलियों को जिसने अपने हाथों से, वही अब दे रहे दुहाई इस गुलशन की रहनुमाई का। पूरे प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने अराजकता फैलाई थी, उनको केवल अराजकता ही दिखाई दे रही है, शांति व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। 1200 से अधिक गुंडे जेल के अंदर चले गए या भगवान को प्यारे हो गए, यह उनको नहीं दिखाई दे रहा।